सीधी होके बैठो रामीन, प्लीज इसको कंप्लीट कर दो, थक गई हूँ मैं। कंप्लीट हो गई है, बस ये नीट होना बाकी है। 10 दिन से मैं यही सुन रही हूँ। चुप करके बैठो। थक गई हूँ मैं। सज्जन, ये सीमा और रामीन कहाँ पर है? पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ये क्या हर वक्त तुम फोन पे लगी रहती हो? हाँ, कौन है, किससे बात कर रही हो? ओफ मम्मी, एक तो आप हर वक्त मुझ पे शक नहीं करती रहा करें, किसी लड़के से बात नहीं कर रही हूँ, दोस्त है मेरी। अपनी दोस्तों को जरा कंट्रोल में रखा करो और अपने हवास को काबू में। मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो के? जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सीमा और रामीन कहाँ है पता है तुम्हें कुछ? हेलो, मैं घर पे हूँ, बोलो क्या काम है? नहीं, मैं मिलने नहीं आ सकता। अरे कहा ना मैं मिलने नहीं आ सकता, मैं बाद में मिल लूंगा। ओके बाय। सलमान भाई कभी बाहर भी जाया करें, दोस्तों के साथ घूमा करें, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये हर वक्त की पढ़ाई जो है अच्छी नहीं होती। नहीं दानिया, मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। बाहर जाएंगे तो आपका दिल करेगा। मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, सीरियसली बहुत मजा आएगा। दानिया मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। लगता है इस बार आप जरूर पास हो जाएंगे। हाँ यार, हर बार मैं फेल हो जाता हूँ, शर्मिंदगी अम्मी को उठानी पड़ती है। चले भाई, आप पढ़ें, मैं बाहर जा। बाय। सीमा इधर आओ। अब आई अम्मी। तुम दोनों को पूरे घर में कब से ढूंढ रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए। अम्मी मैं स्केच कंप्लीट करवा रही थी। मैडम आपको दावतनामा भेजूं मैं? आ रही हूँ अम्मी। जी अम्मी। आज अगर किस्मत से तुम लोगों को छुट्टी मिली है तो क्या काम किया तुम लोगों ने आज? अम्मी घर की सफाई कर दी है, धोने वाले कपड़े भी निकाल लिए, फिर कबूतरों को दाना दिया और अब स्केच बना रही थी। वही ना, तुम्हें उनका ख्याल है लेकिन हमारा नहीं। क्या मतलब? यही कि खाना आज तुम दोनों बनाओगे, कम से कम एक दिन तो मेरी किचन से जान छुड़वा दो। और हाँ, जब खाना तैयार हो जाए तो सज्जल को भी आवाज दे देना, उसे भी बहुत भूख लगी है, हर वक्त बस अपनी बातों में लगी रहती है। एक तो अम्मी भी ना हमें चैन से कभी बैठने नहीं देंगी, और यूनिवर्सिटी की छुट्टी तो होनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सीमा, चलो इस बहाने हम घरदारी तो सीख ही लेते हैं, और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जिंदगी भर तुमने तो इसी घर में रहना है ना। देख लेना, मुझसे पहले ना ये लोग तुम्हें रुख्सत कर देंगे यहाँ से। श्रामीन मेरा ये मतलब नहीं था। खैर छोड़, ऐसा करते हैं बिरयानी बनाते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन तुम प्लीज मेरा स्केच तो कंप्लीट कर दो। वो तुम्हारा स्केच कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है चले
सीमा, रामीन, सज्जल, कहाँ तुम लोग? कोई है भी घर में कि नहीं? ओ पापा, ये देखो मैं तुम सबके लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ और रामीन के लिए ब्रशेस और कलर्स। पापा मेरे लिए चॉकलेट्स ही लेकर आया करें, वो मैं वैसे ही खा लेती हूँ। ओफो, एक तो इस नक्चड़ी को कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊंगा। अभी तुम सबके लाड उठाने दो। एक बार तुम लोग सब अपने घर चले गए तो फिर मैं किसके लाड उठाऊंगा? पापा यू डोंट वरी, हम कोई इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है आपको छोड़ के। अच्छा अम्मी कहाँ हैं आप लोगों की? अम्मी अपने कमरे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। अमजद, अगले हफ्ते रेहान की बरसी है तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो हर साल मैं 5-6 बकरे जबा करके फकीरों में बांट देता हूँ, इस साल भी हो जाएगा। इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी रेहान के नाम पे तुम कितना दुखी हो जाते हो। तुम कितना करते हो मेरे लिए अमजद, ये तुम्हारी अच्छाई है। क्यों शर्मिंदा करें? इरम, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? अरे क्यों डांट रही है बच्ची को? तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? मामा, सो टायर्ड, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। ओके गुड नाइट। इरम, इरम, देखा तुमने? देखो आजकल के बच्चों पे गुस्सा करो तो वो बागी हो जाते हैं, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। अब देखो मेरे शफकत को, एक आवाज पे चलता है मेरी। जानती, लो अब इन लाड साहब को देख लो, इन बच्चों ने मेरी नाक कटवाने का पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। मामा मैं आपको बताकर तो गया था, अब गुस्सा क्यों हो रही? कितनी दफा कहा है तुम्हें कि घर जल्दी आया करो, लेकिन तुम लोग मेरी कोई बात नहीं समझते। अच्छा ना मामा, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूं आइंदा जल्दी घर आ जाऊंगा। मान जाए ना मामा प्लीज। मैं जरा दादी से ही मिला। ये तो पता नहीं इसको दादी से कब से इतनी मोहब्बत हो गई, मुझे तो अल्लाह ने औलादे भी पता नहीं कैसी दे दी है। आपने पूरे दिन मुझे बहुत मिस किया होगा ना? आज क्या किया आपने पूरे दिन? मैं बताता हूँ। पहले बड़ी अम्मी आई होंगी आपके पास, आपको नाश्ता कराया होगा और ढेर सारी बातें की होंगी। दोपहर को जरीने ने आपको सूप पिलाया होगा, शाम को डॉक्टर साहब आए होंगे आपके चेकअप के लिए, और रात को डिनर किया होगा और फिर आपने दवाएं खाई होंगी और फिर मुझे खूब याद किया होगा, है ना? अब मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं आज मैंने क्या किया। आज का दिन बहुत हैक्टिक था, सुबह कॉलेज गया, फिर वहां से दोस्त के पास गया, उसके पास पढ़ना था जाकर, फिर शाम को जिम गया, फिर रात को डिनर किया और बस अभी अभी घर में आया। अम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी तो मैं भाग कर आपके पास आ गया। क्या बातें हो रही हैं दादी और पोते में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस कुछ नहीं, ऐसे दादो के पास आता हूँ तो मुझे बहुत सकून मिलता है। दानियार, इस घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन अम्मी जान से कोई भी मिलने के लिए नहीं आता, और तुम सुबह शाम आते हो इनसे मिलने के लिए। दादी से बहुत प्यार करते हो ना? बड़ी अम्मी, ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, आप दोनों आराम कीजिए और हाँ तो जल्दी सो जाइएगा। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे दानियाल।
हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। थैंक यू बड़ी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मूड ऑफ है? अपनी बहन को समझा लो, अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या हो गया ऐसा? अब ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हारा इतना मूड खराब हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं किया, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, इतना सताती है वो मुझे, मुझे तो लगता है वो मुझसे जलती है। बस ऐसी नहीं हो, जानता हूँ उसको मैं। तुम मेरी बात का क्यों यकीन करोगे? तुम्हें तो मैं ही झूठी लगती हूँ ना, एक वही सच्ची है बस। एक तो जब घर वापस आओ तुम्हारा कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। जाओ जाके खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। जाओ। प्लीज रामीन को बचा ले, अम्मी रामीन खो जाएगी, अम्मी रामीन मेरे साथ ही वो खो गए, अम्मी मिल नहीं रही, अम्मी उसको बचा ले, मुझे बहुत डर लग, अम्मी मेरे था बाप, अम्मी बाप बाप नहीं, अम्मी खामोश खामोश खामोश, अम्मी उसका खामोश। तुमने कोई फिर बुरा ख्वाब देखा? सलमान वो हमारे बीच में है, रामीन कहीं नहीं गई। चुप चुप चुप, खामोश खामोश, मैं आपके साथ हूं ना। लाए मुझे में लगा दो। ये बच्चियां क्या हैं, नाश्ता नहीं करना है? वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही हैं, मैं बुला लेती हूँ, आप नाश्ता करो। सीमा सज्जल रामीन जल्दी नीचे आओ। घंटे लगा लेती हैं ये लोग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। कहाँ है सज्जल, आवाज दो उसको। बेटा क्या हो गया, नाश्ता ठंडा हो रहा है, सुबह जल्दी उठा करो। पापा नींद इतनी आती है मुझे, आँख ही नहीं खुलती मेरी। हाँ तो कैसे खुलेगी आँख तुम्हारी, इतनी देर से तुम सोती हो, अगर जल्दी सो जाया करोगी तो नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी आँख खुलेगी। हर वक्त तुम मोबाइल पे लगी रहती हो। क्या उफ उफ, नाश्ता तो करने दे मुझे ठीक से। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ बेटा आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। और आप दोनों की? पापा बहुत अच्छी जा रही है। बस पापा लास्ट ईयर में और कुछ ही वीक्स में फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। गुड, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि मेरी तीनों बेटियों ने इतनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंची है। इंशाल्लाह तुम लोग का फ्यूचर अच्छा होगा। चलो नाश्ता करो, स्वागत है। जल्दी करो नाश्ता तुम लोग। जरीना अम्मी जान को नाश्ता दे दिए? हाँ जी बेगम साहिबा, आज तो दानियाल साहब ने उन्हें खुद ही नाश्ता करवाया है। अल्लाह दानियाल को बहुत कामयाब करे, बहुत ही लायक बच्चा है। हाँ जी,
अपनी माँ और बहन से लाख दर्जे बेहतर है। नहीं जरीना, ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते। अच्छा ये बताओ कि सलमान उठ गया है कि नहीं? हाँ जी, मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया। चलो ठीक है, सफाई करके किचन में आओ, दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। ठीक है। सलमान जी। अम्मी किन ख्यालों में गुम हो, और चाय भी ठंडी कर दी? बस अम्मी कुछ नहीं। सलमान क्या सोच रहे थे? मैं अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं ना। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार तुम कामयाब हो गए। मैं आप दुआ करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, ना मैं तो हर दफा फेल हो जाता हूँ। ओहो, नाकामी के बारे में नहीं सोचते बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी तुमने अपने जहन में ये बिठाया हुआ ना खौफ, इस हादसे को भूल जाओ। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो जाता है, बस अचानक। सलमान अपने जहन से डर निकाल दो, न जाने तुमने अपने दिमाग में क्यों खौफ भर लिया है। भूल जाओ उस हादसे को। अच्छा ये बताओ, तुमने रात को दवा खाई थी? वो तो मैं भूल गया। इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, बहुत लापरवाह हो गए हो। कहा भी था कि अपनी दवा टाइम पे खा लेना। सॉरी अम्मी, मैं डायरी लिखते लिखते सो गया था। आइंदा ख्याल रखना। रात की पार्टी में आता ना तो तेरे को इतना मजा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तूने किन ख्यालों में रहता है आजकल? रामीन वो मोबाइल कहाँ है मेरा? कहाँ रखा था तुमने? यार तुम्हारे बैग में तो नहीं है कहीं? देखो चेक करो, बताओ मुझे। ये है जियो।